सुना आप लोगों ने क्या 24 अप्रैल से अपने पड़ोस में राजस्थान सरकार का महंगाई राहत कैंप लगने जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें नाम लिखवाकर 10 नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। जैसे क्या? जैसे आपकी खेती के लिए 2000 यूनिट बिजली माफ। और मुझे क्या मिलेगा? फूड पैकेट मिलेंगे दाल और तेल के साथ में। मेरे लिए क्या? दादाजी आपका नाम मैं महंगाई राहत कैंप में लिखवाकर आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 से बढ़ा। कैंप राजस्थान के देशवासियों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। महंगाई राहत कैंप आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कई जन उपयोगी घोषणाएं की है और इन घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में निम्नलिखित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा कैंप में वो हम आपको बताएंगे। इसमें 10 योजनाओं को शामिल किया गया है। 10 योजनाएं कौन कौन सी है? गैस सिलेंडर योजना और गैस सिलेंडर के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लाने हैं, इसमें आपको गैस कनेक्शन डायरी, बीपीएल राशन कार्ड और जन आधार कार्ड। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू बिजली 100 यूनिट तक फ्री। इसमें बिजली बिल और जन आधार कार्ड लेकर के जाना है आपको। तीसरी योजना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना निशुल्क। इसके लिए आपको खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड और जन आधार कार्ड ले जाना है। चौथी योजना है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथोड़ी सहरिया विशेष योग्यजनों को अतिरिक्त दिवस दिए जाएंगे। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र यानी विकलांगों के लिए। पांचवी योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसके लिए जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड और विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र। छठी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड और पेंशन पीपीओ नंबर लेके जाना है। सातवीं योजना है कामधेनु पशु बीमा योजना। इसके अंतर्गत आपको 40,000 का निःशुल्क बीमा किया जाएगा पशुओं का। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड लेकर के जाना है। आठवीं योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत आपको 25 लाख तक की बीमा राशि की जाएगी। इसके लिए आपको 6-7 दस्तावेज लेकर के जाने हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मुखिया एवं एनी सदस्य के मूल निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड, महिला मुखिया के बैंक पासबुक और चेक फोटो। दसवीं योजना है किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली फ्री। इसके लिए आपको बिजली बिल और जन आधार कार्ड लेकर के जाना है। और आवश्यक रूप से आपको दस्तावेज कौन कौन से लेकर के जाने हैं, जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड की रसीद हो, बिजली का बिल, घरेलू या कृषि दोनों में से कोई सा भी ले जा सकते हो या फिर दोनों भी ले जा सकते हो, गैस कनेक्शन डायरी, पूर्व में जारी सिलेंडर रसीद, जॉब कार्ड, आय का घोषणा पत्र यानी जो कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए आय का घोषणा पत्र जरूरी है। तो इस तरह से आपको 5 दस्तावेज मुख्य रूप से लेकर के जाने हैं। अब ये शिविर कैंप कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा? प्रशासन गांवों के संग अभियान लगेगा और ये लगेगा बिंजारी में 24 से 25 अप्रैल 2023 तक, यानी कि ये 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है और ये
30 अप्रैल तक चलेगा, और कहीं पर राहत होगी तो वहां पर ज्यादा दिन भी चल सकता है। तो ये याद रखना, जल्दी से जल्दी जाए और वहां पर अपना पंजीकरण करा करके योजना का लाभ उठाए। तो बिंजारी में लगेगा 24 से 25 अप्रैल, पावडेरा में 26 से 27 अप्रैल, तो ये सवाई माधोपुर का है। भोलेला में लगेगा 28 से 29 अप्रैल, महापुरा में 1 से 2 मई, और डिडायच में 3 से 4 मई को लगेगा। आदलवाड़ा कला में 5 से 6 मई को, सिवाड़ में 8 से 9 मई को, बलरिया में 10 से 11 मई को, जोहपड़ा में 12 से 13 मई को, टापुर में 15 से 16 मई को, रजवाना में 17 से 18 मई को, ईसरदा में 19 से 20 मई को, सारसोपा में 23 से 24 मई को, और भगवतगढ़ में 25 से 26 मई को, ज्वाला में 29 से 30 मई को, और चौथ के बरवाड़ा में 31 से 1 जून को लगेगा। तो ये सब योजनाएं आपको गहलोत सरकार द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर जाकर के योजनाओं का लाभ उठाएं, अपने जान पहचान वालों में शेयर करें, अपने साथियों को ले जाएं, अपने गांव वालों को ले जाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जनहित में जारी।